नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ हमारे नए सेगमेंट आज क्या है खास के साथ। आज यानी 25 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। फार्मासिस्ट डे दुनिया भर के उन फार्मासिस्ट को समर्पित होता है जो आज सेहत के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाने के साथ साथ अपना योगदान भी दे रहे हैं। हम सभी स्वस्थ रहते हैं, इसके पीछे इन्हीं फार्मासिस्ट का खास योगदान होता है। क्या आप जानते हैं कि कब से शुरू हुआ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाने का यह सिलसिला? आखिर किस उद्देश्य से यह मनाया जाने लगा? नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। फार्मासिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसे दवाइयों के विषय में संपूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें दवा विशेषज्ञ भी कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में विश्व फार्मासिस्ट दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे स्वस्थ रहने और खुशहाल जीवन जीने में डॉक्टर के साथ साथ फार्मासिस्ट का भी बड़ा रोल होता है। फार्मासिस्टों को केमिस्ट भी कहा जाता है। 25 सितंबर को स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समस्त फार्मासिस्ट को समर्पित यह दिन उन्हें सम्मान देने तथा उनके योगदान को उजागर करने हेतु वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 11 वर्ष पहले 2009 में FIP द्वारा तुर्की में की गई थी। हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने में यह अहम रोल अदा करता है। आज हम स्वस्थ हैं, इसके पीछे फार्मासिस्टों का भी अहम योगदान है। इसलिए इनके इस स्पेशल कंट्रीब्यूशन को विश्व भर में सम्मानित करने के लिए एक खास दिन तो होना ही चाहिए। अभी हाल ही के उदाहरण की बात करें तो दुनिया भर के फार्मासिस्ट कोरोना वायरस COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए अथक प्रयासों में जुटे हुए हैं। जैसे ही आप फार्मासिस्ट या केमिस्ट का नाम सुनते हैं तो आपको किसी दुकान पर दवाई देने वाले व्यक्ति ध्यान में आता है जो अमूमन खड़े ही दिखाई देते हैं और लंबे समय तक ऐसे ही काम करने में सक्षम होते हैं। उनके पास डॉक्टर जितना बैठने का टाइम नहीं होता। वे न केवल दवाइयों के बारे में सलाह देते हैं बल्कि इसके साथ साथ दवाइयाँ वितरित करने तथा टीकाकरण का भी काम करते हैं। जैसे ही वे नई दवाइयों का प्रशिक्षण खोजते तथा रिसर्च भी करते हैं, इसलिए उन्हें दवा विशेषज्ञ भी माना जाता है। साथ ही कोई दवाई सुरक्षित और प्रभावकारी है या नहीं, इसे सुनिश्चित करने का काम भी इन्हीं के कंधों पर होता है। इतना ही नहीं, उन्हें हर तरह की दवाई के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप और इंजेक्शन भी आते हैं। इसके साथ ही एक काबिल फार्मासिस्ट को यह भी पता होना चाहिए कि अलग अलग दवाई एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती है। अंतर्राष्ट्रीय फार्मासिस्ट दिवस पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। PCI के साथ साथ देश के कई फार्मेसी कॉलेजों में भी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यदि आप वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने स्थानीय फार्मासिस्ट को उनके द्वारा की गई सभी कार्य के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। साथ ही #WorldPharmacist के साथ सोशल मीडिया पर भी इस खास दिन को साझा कर सकते हैं। हर साल फार्मासिस्ट दिवस की एक खास थीम होती है और यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन तय करता है। इस बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2020 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ है। इसे हिंदी में वैश्विक स्वास्थ्य को बदलना कहा जा सकता है। यह विषय यह बताने का मौका है कि फार्मासिस्ट विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य कैसे बदल रहे हैं। तो यह थी हमारी छोटी सी कोशिश आपको फार्मासिस्ट और फार्मेसी के बारे में बताने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।